रुक करते हैं विस्तार से गतिविधियों की ओर। हमीरपुर के साथ लगते जिला कांगड़ा में कोरोना वायरस के दो पॉजिटिव मामले सामने आने पर हमीरपुर जिला में भी कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए जिला प्रशासन हमीरपुर ने धारा 144 लागू की है, जिसके चलते पूरी एहतियात बरती जा रही है। इसी के साथ आम जनता की सुरक्षा के लिए हमीरपुर जिला भर में सभी सरकारी कार्यालयों में सैनिटाइजर के साथ हाथ सैनिटाइज करने के बाद ही अंदर प्रवेश करने दिया जा रहा है। हमीरपुर के साथ लगते जिला कांगड़ा में कोरोना वायरस के दो पॉजिटिव मामले सामने आने पर हमीरपुर जिला में भी कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए जिला प्रशासन हमीरपुर ने धारा 144 लागू की है, जिसके चलते पूरी एहतियात बरती जा रही है। इसी के साथ आम जनता की सुरक्षा के लिए हमीरपुर जिला भर में सभी सरकारी कार्यालयों में सैनिटाइजर से हाथ सैनिटाइज करने के बाद ही अंदर प्रवेश करने दिया जा रहा है। उपायुक्त कार्यालय से लेकर एसपी कार्यालय एसडीएम कार्यालय में भी सैनिटाइजर रखे गए हैं, ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। साथ ही जिला के सभी लोक मित्र केंद्रों को भी 31 मार्च तक बंद कर दिया गया है। कोरोना वायरस के चलते यदि किसी का कार्य अति महत्वपूर्ण है तभी कार्यालय के अंदर आने की अनुमति दी जा रही है, और जिला प्रशासन ने जनता से भी कोरोना वायरस से बचने के लिए लोगों से प्रशासन का सहयोग देने की अपील की है। उपायुक्त हमीरपुर हरकेश मीणा ने बताया कि कोरोना वायरस से बचने के लिए जिला भर में धारा 144 लागू की है। उन्होंने बताया कि हमीरपुर जिला में भी सभी आधार केंद्र भी 31 मार्च तक बंद कर दिए गए हैं, ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोका जा सके। इनफैक्ट जो सिचुएशन है कोरोना वायरस को लेके थ्रू आउट द कंट्री, और लकीली अभी हम लोग हमीरपुर में बचे हुए हैं, लेकिन जो बाहर से लोग आ रहे हैं जिनकी ट्रेवल हिस्ट्री है, लगभग 58 लोग कल तक आए थे। कुछ डिफरेंट जगह से कंप्लेन भी आ रही है कि जी कुछ लोग आए हैं बाहर से पिछले 2-3 दिन में और उन्होंने डिस्क्लोज किया नहीं। अगर उस तरह के लोग हैं मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ डिस्क्लोज करें, अदरवाइज पुनिटिव एक्शन के खिलाफ हो जाना, FIR दर्ज हो जानी, जो भी कोरोना वायरस के रेस्पेक्ट में ट्रेवल हिस्ट्री को लेकर जो जो इनको चीज़ें फॉलो करनी है, सेल्फ क्वारंटाइन या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन या जो रिपोर्टिंग करनी है उन चीज़ों को फॉलो करें। एंड हम लोग दो आज भी 3 कंप्लेन आई है, अगर इस तरह से पाया जाता है तो हम लोग स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। एंड हमने सारे STMs को पुलिस को भी बोल रखा है कि FIR के अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि दे आर प्लेइंग विद देयर ओन हेल्थ एंड जो आसपास की पड़ोस की जनता है। दूसरा हम लोग ये सोच रहे हैं कि जो इंस्टीट्यूशन या जो मोस्ट ऑफ द होम क्वारंटाइन किए हैं, जो बाहर से ट्रेवल हिस्ट्री है 58 लोग, उसमें 12 ने तो अपना टाइम पीरियड कंप्लीट कर लिया, उसके अलावा 46 है, वो सारे वार्ड में पता रहना चाहिए कि सारे पंचायत में कि हमारे यहाँ इस पंचायत में या वार्ड में एक पर्टिकुलर फेलो आया है, इसको हम क्वारंटाइन रखा है, उसका हम एक स्टैंपिंग का भी सोच रहे हैं, सेफ डिक्लेरेशन का। सो आसपास के लोगों के साथ मिंगल हो तो कंप्लेन भी हम रिसीव कर सके। और जो A&B कैटेगरी जिसमें हम लोगों ने SOP कोरोना की पूर्ण की है, वो सारी चीज़ कर रहे हैं। और मैं सभी हमीरपुर के डिस्ट्रिक्ट में जितने भी लोग हैं उनसे यही अपील करना चाहूँगा कि मिनिमम बाहर निकले और अपने घर में ही रहें, सेफ रहें। सबसे जो सभी तरीके की जो अभी तक आ रही है सोशल डिस्टेंसिंग जिसको बोलते हैं या सेल्फ क्वारंटाइन जिसको होम घर में रहते हैं, और किस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपील की है, जो कल से आज शाम से ही GED से भी चिट्ठी आई है कि 5 बजे हम उठर बजाएंगे लोगों को करेंगे, और आज रात से ही ट्रैफिक मूवमेंट सारी चीज़ें हैं, तो सुबह 7 बजे से लेकर जो शाम के 9 बजे तक जो ये जनता कर्फ्यू है इसको ऑब्जर्व किया जाएगा। और हम तो चाह रहे हैं कि जनता से अपील कर रहे हैं कि उसके बावजूद भी आगे भी इसको कंटिन्यू रखें, ओनली एसेंशियल जो चीज़ों की जो दुकानें हैं शॉप्स हैं वही खुलें। और उसके लिए हम लोगों ने लगभग 20 व्हीकल्स थ्रू आउट डिस्ट्रिक्ट इंगेज किए हुए हैं और उसको बढ़ा भी रहे हैं, प्राइवेट लोगों से भी कर रहे हैं, जितने भी पब्लिक प्लेसेज हैं, चाहे बस स्टैंड हैं, चाहे डिफरेंट जो MCs है, ग्राम पंचायत है, वहाँ भी माइक सिस्टम लगा रहे हैं और इसकी IC कर रहे हैं कि क्या इसके लिए बचाव के तरीके हैं, किस तरह के लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए, लोगों किस तरह से कोऑपरेट करना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम पब्लिक के बीच में डिसिमिनेट कर रहे हैं। और जो हमने लगभग अगर हम इन केस ऑफ इमरजेंसी वी आर प्रिपेयर, हम लोगों ने लगभग 1000 के आसपास इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन के लिए लोग क्वारंटाइन की अगर जरूरत पड़ती है तो वो फैसिलिटी हमने सब डिविजन्स पर आइडेंटिफाई की है 500 के आसपास में, और वो हम कोशिश करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के पास ही हो, इनकेस ऑफ इमरजेंसी हॉस्पिटल में बड़ा रस नहीं हो और वहाँ से क्वारंटाइन जहाँ से किया इंस्टीट्यूशन वहाँ उनको देख सके हम लोग, वो सारी हम अपना हमना होमवर्क कर रहे हैं। दूसरी बात है कि जो DOPT गाइडलाइन है, स्टेट गवर्नमेंट की भी एडवाइजरी है, DOP की भी तरफ से भी हमें डायरेक्शन है, हम लोग मिनिमम
जो गवर्नमेंट कर्मचारी हैं उनसे कह रहे हैं कि ओनली एसेंशियल चीज़ों को ही डील कर रहे हैं, कि जो इमरजेंसी हो उन्हीं पेपर्स को लिया जाए। ऑफिस का जैसे मैंने भी अपने डीसी ऑफिस में मतलब बाहर बिठा दिया है विद सैनिटाइजर, और डाक को बाहर ही रिसीव करें, इन केस ऑफ इमरजेंसी कोई ऐसी फाइल है या कुछ तरह से तो टेलीफोनिकली या ईमेल के थ्रू भी सारी चीज़ों को हम डील कर सकते हैं, और दूसरी चीज़ें वेट कर सकती है, बट इस चीज़ में जो कोऑपरेशन है बाहर मूवमेंट करना। और मैं सभी स्कूल से भी रिक्वेस्ट करूँगा, जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट, क्योंकि हमीरपुर में सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, कि हमें इस तरह से फोर्स नहीं करेंगे किसी के खिलाफ, हमें पुनिटिव और एक्शन करना पड़ेगा। अभी भी मैं बाजार में गया था, सुजानपुर में भी मैं जाके आया था, कल मैं ददौन और पड़सरवाड़ा एरिया में गया था, तो मैं देख रहा हूँ कि है मतलब डेफिनेटली 70-80% लोग रोड से कम हो गए मार्केट से करके, बट वी एक्सपेक्ट कि मतलब 100% की तरफ एक्सपेक्ट करते हैं लोग कुछ दिन तक, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी भी सभी अपील कर रहे हैं, और सब प्रूवन फैक्ट है कि पिछले 2-3 महीने से हम देख रहे हैं कि क्या चीज़ इसके खिलाफ कारगर है। जो हम लोग अगर आइसोलेट करते हैं, सेल्फ डिस्टेंस और अपने आप को घरों में रखते हैं, इस बीमारी से बच पाते हैं, वही एक चीज़ कारगर है, वो हमें मेंटेन करनी चाहिए। और ये चीज़ें मैं सभी अपने डिस्ट्रिक्ट में हमीरपुर वासियों से और सभी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जो हम लोगों टाइम टाइम टू हम लोग इंटरेक्ट भी कर रहे हैं टेलीफोनिकली, और वी आर कीपिंग इन दैट माइंड की। और दूसरी चीज़ें हैं कि मैं बाजारों में भीड़ देख रहा हूँ आज, क्योंकि कल से जनता कर्फ्यू है, लोग को मेरे कंप्लेन भी आ रही है कि जी होर्डिंग कर रहे हैं या ओवर प्राइसिंग है सैनिटाइजर्स की, या जैसे हम सेल्फ हेल्प ग्रुप से मास्क वगैरह बनवा रहे हैं जो उसको इन केस ऑफ दैट वी कैन सप्लाई, तो पैनिक नहीं करें। हम लोग आपको आश्वस्त कहते हैं कि किसी भी चीज़ की ऐसे शॉर्टेज नहीं आएगी, इस तरह से नहीं सोचे कि कर्फ्यू लगा रहे हैं और आगे तक सिचुएशन बिगड़ सकती है, ऐसा कुछ नहीं होना। एसेंशियल जो कॉमोडिटीज़ की शॉप्स हैं, चाहे मेडिसिन है, चाहे किराने की दुकानें हैं, चाहे वेजिटेबल्स हैं, सारी चीज़ें खुली रहेगी और हम विल एंश्योर द सप्लाई। थैंक यू।